नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दीक्षा ऐप पर शिक्षक साथियों के लिए प्रारंभ की गई एक नवीन कोर्स श्रृंखला के बारे में। जी हां साथियों, मिशन अंकुर के तहत कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक साथियों के लिए यह श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इस श्रृंखला में कुल चार कोर्स शिक्षक साथियों को पूर्ण करने आवश्यक होंगे, जिसका पहला कोर्स 5 दिसंबर से दीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। आप मेरी साइट में देख रहे होंगे, कोर्स एक प्रारंभिक कक्षाओं में गणित 5 दिसंबर 2022 से यह दीक्षा ऐप पर उपलब्ध रहेगा और 1 महीने के लिए यह कोर्स रहने वाला है। कोर्स 2 संख्याओं की शुरुआती समझ एवं 100 तक की संख्याओं की समझ 2 जनवरी 2023 से यह कोर्स दीक्षा ऐप पर अवेलेबल रहेगा। कोर्स 3 प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और भाषा शिक्षण 1 फरवरी 2023 से यह कोर्स दीक्षा ऐप पर अवेलेबल रहेगा। कोर्स 4 साक्षरता के सिद्धांत 1 मार्च 2023 से यह कोर्स दीक्षा ऐप पर शिक्षक साथियों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे आप दीक्षा ऐप में इन कोर्सों को सर्च कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दीक्षा ऐप को ओपन कर लेना है। तो साथियों, जैसे ही आप दीक्षा ऐप को ओपन कर लें, ओपन करने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर आपको सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इसी पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सर्च बार के लिए सर्च करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा और कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप हिंदी में टाइप कर दें प्रारंभिक कक्षाओं में गणित और इतना लिखकर आप सर्च कर दें। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे, आप देखेंगे प्रारंभिक कक्षाओं में गणित शिक्षण पहले नंबर पर ही एक जो कोर्स है वह आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा। आप इस कोर्स पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस कोर्स पर क्लिक करेंगे तो कोर्स की जो संपूर्ण विवरण है वह आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले, जैसा कि आपने पहले भी कोर्स किए हैं, आपको कोर्स में नामांकन करना होगा। आप कोर्स में नामांकन करने के बाद आसानी से अपने कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर इस तरीके से जो कोर्स है आपके सामने प्रदर्शित होगा। तो कोर्स विवरण भी मैं आपको इसमें बता देता हूं। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के लिए यह कोर्स है और अभी कोर्स विवरण में एनरोलमेंट डेट नहीं दी हुई है, तो ये आगे चल के आ सकती है और ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आप कोर्स मॉड्यूल में जाकर सबसे पहले कोर्स में नामांकन कर लें और इस तरीके से ये जो कोर्स आप देख रहे हैं कुल 5 भाग में है, आप बारी बारी से प्रत्येक भाग पर क्लिक करके अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। तो साथियों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सभी कोर्सों को जो मैंने आपको बताया, जो भी कोर्स है, अभी आपको केवल पहला वाला कोर्स कंप्लीट करना है। इसको आप सर्च बार में सर्च करके आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।